वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी बेहतरीन खबरें सबसे पहले सटीक अंदाज में जान सकें। आज की खबर की बात करें साथियों, तो वर्ल्ड कप और यूरो कप के बाद फुटबॉल का तीसरा बड़ा टूर्नामेंट कोपा अमेरिका रविवार को मौजूदा चैंपियन ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच मुकाबले के साथ शुरू हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की 10 दिग्गज टीमों के बीच 28 दिन में 28 मुकाबले खेले जाएंगे। साथियों, अर्जेंटीना के मेसी, ब्राज़ील के नेमार और उरुग्वे के लुइस सुआरेज़ जैसे स्टार खिलाड़ी अपनी टीमों को चैंपियन बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। गाइस, कतर में अगले साल होने वाला वर्ल्ड कप मेसी का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। ऐसे में उसके पहले 34 साल के मेसी के पास अपनी राष्ट्रीय टीम यानी नेशनल टीम के लिए कोई खिताब जीतने का यह आखिरी मौका हो सकता है। 14 बार के चैंपियन अर्जेंटीना ने 28 साल से यह खिताब नहीं जीता है। कप्तान मेसी अपना ही नहीं टीम का भी लंबे समय से चला रहा खिताबी सूखा खत्म करना चाहेंगे। साथियों, ब्राज़ील के खिलाड़ी विरोध के बाद खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे उसकी टीम अपने खिताब का बचाव करने की प्रबल दावेदार बन गई है। ब्राज़ील को अर्जेंटीना से कड़ी चुनौती मिलेगी। अर्जेंटीना को हालांकि अपने घरेलू सरजमी पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जेंटीना और कोलंबिया पहले कोपा अमेरिका के ज्वाइंटली मेज़बान थे यानी होस्ट थे, लेकिन बाद में कई कारणों से उन्हें मेज़बानी से हटा दिया गया और ब्राज़ील को इसके आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। हम आपको बता दें साथियों, कोविड-19 के कारण दर्शकों को स्टेडियम में आने की परमिशन नहीं है। इस महामारी के कारण यह टूर्नामेंट एक साल बाद आयोजित किया जा रहा है। हम आपको बता दें साथियों, दो ग्रुप में बांटा गया है टीमों को। ग्रुप ए जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, चिली, पराग्वे हैं। ग्रुप बी में ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर व पेरू हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।